एवरीवन सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लॉ स्प्रिंग इज अ वेरी ग्रेट चैप्टर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये जो चैप्टर है वो अनीस अनिस ने लिखा है और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं दो स्टोरीज की पहली स्टोरी है हमारी साहिब आलम की जिस स्टोरी का नाम है आई फाउंड रूपी इन अ गार्बि और हमारी जो सेकंड पार्ट है इस स्टोरी का वो है हमारा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार जिनके मेन कैरेक्टर हमारे कौन है मुकेश है तो जल्दी से बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं इन द पीडीएफ फॉर्म विच इज वन सॉल्यूशन फॉर यू ऑल तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करें और अपने नोट्स को देखें चलो बात करते हैं जल्दी से इस चैप्टर की चैप्टर का जो नाम है वो है लॉस्ट स्प्रिंग आप लोगों को पता है अनिज ने चैप्टर का नाम क्यों रखा है लॉ स्प्रिंग जब आप इन दोनों स्टोरीज को पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि लॉस्ट स्प्रिंग इतना जस्टिफाई क्यों कर रहा है टाइटल को राइट right. तो शुरुआत करते हैं हमारे अनीस जंग के बारे में जानने की तो जो हमारी अनिस्ड हुड है ना वो कहाँ पर बिताया था हैदराबाद में बिताया था ठीक है अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में ऑफकोर्स हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं आता है हमारे ऑथर के बारे में राइटर के बारे में लेकिन वी शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ द राइटर राइट सो दैट वी कैन रिलेट विद द चैप्टर ओके नाउ अब उन्होंने क्या करा था उन्होंने अपनी जो एडुकेशन थी वो यूएसए से और हैदराबाद में कंप्लीट करी थी उनके जो पेरेंट्स थे अनीस के वो दोनों ही क्या थे राइटर्स थे और अनीस जंग ने अपना करियर कैसा बिगिन करा था शी बिगिन एज अ राइटर इन इंडिया राइट नाउ अब अब आप, आप देखेंगे कि उन्होंने ना बहुत सारी बुक्स लिखी थी ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग बच्चे वो कहाँ से लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आप लोगों के लिए ये जो लिया गया है उनकी बुक लिया गया है लॉस्ट Spring स्टोरीज ऑफ stolen childhood चाइल्डहुड से ठीक है और ये जो चैप्टर है लॉ स्प्रिंग जो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं की उस बुक में से है एक्सर्ट एक है राइट इतना समझ आ गया आप लोगों को तो शुरुआत करते हैं बच्चे हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट इज समाइम्स आई फाइंड अ अ इन जिसके मेन कैरेक्टर हमारे साहिब आलम हैं वैसे बहुत आयरनी है इस बात में कि आ, उनका जो नाम है साहिब आलम जिसका नाम होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बट वो कौन है वो आ, क्या करते हैं वो कूड़े के ढेर से सामान उठाते हैं तो जिस दिन साहिब को पता चलेगा उनका नाम का मतलब क्या है उनको बहुत बुरा लगने वाला है तो ऐसे ही अनीस जंग बताती हैं एक दिन अपनी बालकनी में खड़ी थी एंड वो यूजुअली ना उन बच्चों को देखती थी ठीक है रैकपिकर्स को देखती थी जो कूड़ा उठाते हैं ठीक है तो उन वो हमेशा उनको ना नोटिस करते थे तो एक दिन की बात है उन्होंने उनसे पूछ लिया कि तुम ये क्यों करते हो तो साहिब ने उसका जवाब क्या दिया पता है आपको वो ना गोल्ड ढूंढते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड यहां पर क्या है उन लोगों के लिए गोल्ड वो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जिस लाइक ऐसे आप लोग जो वो गोल्ड पहना हुआ होता है वैसा वाला गोल्ड नहीं है ठीक है डायमंड गोल्ड उनके लिए नहीं है उनके लिए गोल्ड है फॉर एग्जाम्पल उनको कभी एक रुपया मिल गया कभी उनको कोई कपड़ा मिल गया कोई जूता मिल गया वो उनके लिए क्या है गोल्ड है ठीक है? तो आपको ये समझना है कि उनको वो गोल्ड ढूंढते थे उन गार्बेज डम से अपने पड़ोस में राइट तो साहिब ने एक दिन क्या करा साहिब ने अपना घर ना बहुत सालों पहले छोड़ दिया था कहां से आए थे वो वो वेस्ट बंगाल के ढाका से आए थे जो कि ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से आ रखे थे और आ, वो लोग भी काम करते थे फील्ड्स में काम करते थे उनकी माता लेकिन वो लोग उस घर को छोड़कर आ गए थे क्यों छोड़कर आ गए थे क्योंकि बार बार वहाँ पर स्टॉम आती थी और उस वजह से उनका घर जो था वो पूरा का पूरा क्या हो जाता तबाह हो जाता था इसी वजह से वो यहाँ पर आ गए थे डेली में और अपना बसेरा इन्होंने यहाँ पर कर लिया था ठीक है कहाँ पर बसेरा करा था आप लोगों को ये जानना जरूरी है सीमापुरी में करा था ठीक है नाउ आई है अब वो कहते हैं कि अब जब जो कि हमारी अनिसंग ने जब उनसे पूछा था कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो उसका वो जवाब देते हैं साहेब मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं तो ऐसे ही मसाक मसाक में हमारी जो राइटर हैं वो उनसे पूछ लेती थी कि अच्छा तुम स्कूल नहीं जाना चाहते तुम स्कूल जाना चाहते हो क्या तो रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस माउंड कि मुझे नहीं पता था कि ये कितनी खंजल सी यू नो you know, बात होगी कि उनको कितना चुप जाएगी कितना लग जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे भी तो पढ़ना चाहते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है राइट right? तो उन्होंने इस बात पर उन्होंने किसने कहा हमारे साहेब ने कहा कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है ना तो मैं कैसे जाऊंगा तो इस बात पर वो बोलती है अच्छा अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूंगी तो तुम क्या हो गई तो मैं ऐसे हंसते हंसते उनसे बोलती हूँ और उसके लिए उसका क्या जवाब आता है साहिब का हाँ मैं जरूर आऊंगा ठीक है और कुछ दिन बाद ना मैं उसे देखती हूँ अनिश जैन बताती है कि वो मेरे पास भाग भाग कर आता है और वो पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है एंड uh, वो उस बात पर वो जवाब देती है कि ना टाइम लगता है स्कूल बनने में और मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी कि मैंने उससे उसे ऐसा सपना दिखा दिया जो सपना पूरा हो ही नहीं सकता था राइट right? चलो बट प्रोम लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है कि मेरे जैसे झूठे वादे ना उसके इस वर्ल्ड में उसकी इस दुनिया में बहुत ही नॉर्मल है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि उसको हर कोई हर दिन झूठ तो मिलता ही होगा राइट right? After months of knowing him, बहुत टाइम हो गया था महीने हो गए थे उससे जाने जाने मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया उसका नाम उसने बताया साहिब आलम और इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है आ जाता है ठीक है तो उसके लिए हार्ड टाइम होगा बिलीव करना कि उसके नाम का मतलब क्या है लेकिन गॉड नोस भगवान को उसको नाम का मतलब पता ही ना चाहे उसको नाम का पता ही नहीं कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम राइट और ये बच्चे ठीक है आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज एकदम नंगे पैर घूमते थे हर रोज सुबह जैसे मॉर्निंग बर्ड्स चहक रही होती और आसमान में उड़ रही होती वैसे ये बच्चे सुबह-सुबह नंगे पैर भाग रहे होते इधर-उधर और ओवर द मंथ्स मैं उनको अब जानने लग गई हूं राइट वाह यारण तुम अपनी चप्पल क्यों नहीं पहन रहे मैंने एक से पूछा तुम अपनी चप्पल क्यों नहीं पहन रहे तो मेरी मदद ने तो मेरे को चप्पल दिया ही नहीं शेल्स से उतारी ही नहीं थी ठीक है और तो फिर दूसरा बोलता है कि अच्छा अगर वो उतारी भी होती ना तो ये तब भी, भी नहीं पहनता ठीक है वह ना कमेंट ऑन इट ही शफल्स स्वीट एंड से नथिंग और फिर वो अपने पैर ऐसे ऐसे बस करने लग जाता है शफल करने लग जाता है और उसके बाद वो फिर कुछ नहीं वो कहता बट फिर वो कहता है आई वॉन्ट शूज तीसरा लड़का उधर जो ग्रुप में था तीसरा लड़का जो ग्रुप में था वो बोलते हैं कि मुझे तो शूज चाहिए जिसके पास अपनी पूरी लाइफ में एक पेयर जूता नहीं आ पाया ठीक है पूरे कंट्री में वो ट्रैवल करते थे मैंने देखा था कि ये जो बच्चे होते हैं ना नंगे पैर ही घूमते हैं चाहे वो सिटी हो चाहे विलेज रोड है और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसों की कमी है ठीक है देखेन इवन बाय बट उनका ट्रेडिशन बन गया है नंगे पैर घूमने का इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ठीक है एंड इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ वक्ल स्टेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी उनका ये ठीक है तो मुझे आज भी याद है एक स्टोरी फ्रॉम उडीपी एक आदमी ने मुझे बताई थी कि जब वो छोटा बच्चा था ना तो वो स्कूल जाता था और उस स्कूल के बाद में एक ओल्ड temple जाता था जहां पर उनके फादर एक पंडित थे और वहां पर वो कुछ टाइम के लिए रुकता था टेम्पल में और प्रे करता था कि उनको ना जूतों जूते मिल जाए तो थर्टी इयर्स लेटर तीस साल बाद में वहां पर गया टाउन में और उस टेंपल में भी विच अब वो क्या था विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ डिसोलेशन अब वो बिल्कुल खाली हो चुका था मंदिर राइट right? ना उसके बैकयार्ड में ना जहां पर एक न्यू प्रीस्ट रहता था वहां पर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़ी थी और वहां पर एक यंग बॉय था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में ड्रेस था और जिसने सॉक्स पहन रखी थी और शूज पहन रखी थी और हफ्ते हफ्ते आया और अपना स्कूल बैग उसने उस बेड पे फेंक दिया और उस लड़के को देखकर मुझे याद आया कि जो प्रेयर वो दूसरा बच्चा गाता था वो गॉडेस को करता था वेन हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज कि उसको जब फाइनली एक पेयर ऑफ शूज मिल गए थे तो वो उसको प्रे करता था भगवान को तो लेट मी नेवर लूज देम कि मैं बस उनको कभी लूज ना कर पाऊँ मेरे ये जूते जो हैं कभी खराब ना हो कभी खोए ना तो जो गॉडेस थी उन्होंने उनकी प्रेयर ग्रांड कर दी थी तो ऐसे जो यंग यंग लड़के होते हैं ना और जो सन बेटे बच्चे होते हैं प्रीस्ट के वो अब जूते पहना करते हैं ठीक है बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स ठीक है इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूलेस तो कह रहे हैं कि अब मुझे वो जो उड़ीपी वाले बंदे ने मुझे वो जो स्टोरी बताई थी तो उसमें तो अब प्रीस्ट के सभी बच्चे हमेशा जूते पहना करते हैं लेकिन ये जो रैक पिकर्स होते हैं ना आज भी उन लोगों ने अपना एक ट्रेडिशन बना रखा है कि ये लोग नहीं पहनते बाकी सभी पहनने लग गए उसके बाद हम बात करते हैं कि आ, वो बता रहे हैं कि माय एक्क्विटेंस विद द बेयरफुट रैप पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुर तो अब वो जो रैप पिकर्स की अगर मैं बात करूं ना तो मेरे को ना सीमापुरी की याद आ जाती है ठीक है वो एक दिल्ली के एक कोने में ना एक जगह है और यू नो वहां पर लोग रहते हैं और जो कि बांग्लादेश से आए हैं इन द ईयर 1971 तो साहिब की फैमिली भी उनमें से एक ही है और सीमापुरी वाइल्डनेस है मतलब बहुत ही गंदी जगह है बहुत बहुत ही कंजस्टेड जगह है देर इज नो एयर टू ब्रीद ठीक है और वो आज भी ऐसी है और इट इज स्टिल नो लॉन्ग एमती आज भी वो खाली नहीं हुई है भरी हुई है और मिट्टी में ठीक है वहां पर टिन के रूफ है तरपाल बोलते हैं ना तो टैपोलिन है राइट उधर गंदगी है ड्रेनेज सिस्टम यू नो रनिंग वाटर है और दस हजार रैपिकर्स ऑलमोस्ट वहां पर रहते हैं पिछले सालों से यहाँ पर रह रहे हैं that too, any identity, उनकी कोई आधार कार्ड ही नहीं है विदाउट परमिट बट विद राशन दैट गेट ऑन वोटर्स ठीक है राशन कार्ड्स हैं बट उनके कोई आधार कार्ड नहीं है और बस उनको राशन मिल जाता है एंड आर सेफाइड विद क्योंकि उनके लिए ना सर्वाइवर के लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ द डे अब अगर हम अपनी फैमिली को फीड कर सके और बिना भूखे पेट बेड पर जा सके तो दैट इज वॉट दे और वॉन्ट वी वुड रैदर लिव योर देन इन द फील्ड हम लोग ना यहाँ पर रह लेंगे रैदर लिविंग इन द फील्ड कुछ औरतें कहती हैं ठीक है जिन्होंने वैसे फटी पुरानी साड़ियां पहन रखी है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उन लोगों ने अपना ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड और रिवर्स क्यों छोड़ा जहां पर उनको खाना भी मिलता था और वो अपना टेंट भी पिच कर देते थे यू नो एवरीथिंग तो वो कह रहे चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल इन सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस पिकिंग ठीक है वो रहे, हम वहां पर तो नहीं जाएंगे यहाँ पर रहना ही हम लोगों के लिए बेटर है क्योंकि वहां पर रहना मतलब एकदम तबाही हाँ हो जाना जैसे स्ट्रॉम तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सीमापुरी में रहना है तो मतलब तुमको रैक पिकिंग करनी ही पड़ेगी तो थ्रू द इर्स उन लोगों ने ना uh, एक आर्ट एक्वायर कर लिया है रैक पिकिंग में और वो कहते हैं गार्बेज उनके लिए ना गोल्ड हो चुका है वो उसमें से गोल्ड ढूंढ लेते हैं वो क्योंकि उनका डेली ब्रेड है एक उनको रूफ है उनके सर के ऊपर का ठीक है और गोल्ड मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि गोल्ड का मतलब उनके नजरिए में क्या होता है चाहे वो लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो बट द गाबेज इज गोल्ड टू दैन राइट और उनको अगर छत मिल रही है तो दैट्स दे ऑल नीड

ठीक है ओके और भी कुछ मिल जाएगा और भी कुछ मिल जाएगा बिकॉज तुम्हारा होप खत्म नहीं होता ठीक है गार्बेज का ना एक डिफरेंट मीनिंग है उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर कि अरे आज तो कुछ हो जाएगा और एल्डर्स के लिए इट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल ठीक है विंटर मॉर्निंग की बात है मैं साहिब को देखता हूँ देखती हूँ कि ना वो एक फेंस गेट पे खड़ा हुआ था एक क्लब के और देख रहा था कि दो यंग मैन ना वहां पर क्या खेल रहे थे They were playing tennis और, आ, दे वर प्लेइंग टेनिस और साहिब बोलते मुझे ना टेनिस खेलना पसंद है ही हम्स कंटेंट और ही वोज हैप्पी उसको बाहर से ही देखकर देखने में ही वो हैप्पी ओके उसे मजा आ रहा था देखने में बेसिकली होता ना मैं तभी वहाँ पर जाता हूँ करने देता है. Hmm. तो साहिब जो है ना बेटा वो भी ना टेनिस शूज पहन रखे हैं जो कि ना थोड़े अजीब से और डिसकलर्ड लग रहे हैं ठीक है किसी ने उसको दिए थे इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन की ये टेनिस शूज है द फैक्ट देट दे आर डिस्कार्डेड शूज और यू नो वॉट ही

Wearing those shoes and they are more than content. बहुत खुश हो जाते सब पहन कर। वो जिसने मना कर दिया होगा पहनने के लिए तो उसको इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता वो इन, वो बच्चा जो हमेशा से पैदल ही चलता आ रहा है नंगे पैर ही चलता रहा है उसके लिए एक जूते में छेद होना वो भी एक ड्रीम कम ट्रू जैसी बात है तो बट द गेम जो वो वॉच कर रहा है ठीक है वो उनकी रीच से बाहर है किसकी साहिब की रीच से तो अनिस जन बताती है कि अब उन्होंने तो साहिब को ऐसे ही देखा है ठीक है जो कि ही ही फ्री फ्रॉम एंड टू लव्ड रैक पिकिंग ठीक है नाउ बट अब आज सुबह की बात है वो बोलती है नीज जंग दिस मॉर्निंग ठीक है साहब ना मिल्क बूथ जा रहे थे और उनके हाथ में ना स्टील केनिस्ट था और वो बताता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड और अपना मैं टी स्टॉल पर काम करता हूँ आई एम पेड एट हंड्रेड रुपीज मुझे मिलते हैं और मेरी मेरे को मील्स भी खाना खाने को भी मिलता है तो अनिसंग पूछते हो उसे वो जॉब पसंद है क्या साहिब से पूछती है लेकिन उसका जो फेस देखा ना तो वो कैरफी लुक नहीं थी ऐसा लग रहा था कंधों पर बोझ आ गया है जैसे हमारे पेरेंट्स के कंधों पर बोझ होता है ना हम लोगों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह करने का ठीक है कराने का राइट तो वैसा ही बोज वैसा ही ही बोझ बोझ किसके ऊपर था हमारे साहिब के ऊपर आ गया तो वो जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ जाती है ठीक है द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली तो वो जो स्टील कैनिस्टर था ना ठीक है वो अब उनको बहुत ज्यादा हेवी लगने लग गया था देन द प्लास्टिक बैग जो उनको पकड़ते थे वो बहुत लाइट लगता था तो बेसिकली जब तुम कोई चीज दिल से करते हो खुशी से करते हो तो यू फील एवरीथिंग इज सो लाइट एंड ब्राइट राइट पर जो तुम चीज जबरदस्ती से करते हो यू डोंट ग्लो अप ठीक है अगर तुम अंदर से खुश हो ना तो यू शाइन ठीक है फ्रॉम इन साइड बट अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम नहीं कर पाते शाइन ठीक है वो डलनेस आ जाती है जस्ट लाइक like साहिब साहिब भी वो डल सा हो चुका था बिकॉज नाउ अब वो क्या कर रहे थे वो जॉब कर रहे थे और आठ रुपए और, और खाने के लिए वो पैसा कमाने के लिए अपने लाइवलीहुड के लिए काम करने लग गए थे ये जो बैग तो द बैग वॉज हिज वो बैग उनका था तो इसी वजह से वो केयरफ्री लुक भी थी वो केयरफ्री लुक भी थी क्योंकि बैग भी वो उन्हीं का था ना अब ये जो कैनिस्टर है वो किसको बिलोंग करता है उस आदमी को जिसकी वो टी स्टॉल है ठीक है अब साहिब साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं है वो किसी और के अंडर काम करता है दैट मीन्स ही केन नॉट डू वट एवर ही चूजेज टू डू राइट अब उनको वही करना पड़ेगा जो उनको डायरेक्ट किया जाएगा राइट right? अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी से कैन यू इवन इमेजिन कि ये जो चैप्टर जंग ने लिखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग स्प्रिंग का का मतलब क्या होता है बेटा बच्चों का ना इस एज में इस एज में काम होता है पढ़ने लिखने का अपने आप को ब्लूम करने का नर्चर करने का अगर आप सीजन की भी बात करें स्प्रिंग सीजन की बात करें तो जो फ्लू फूल होते हैं ना जो फ्लावर होते हैं ना वो खिलते हैं और ऐसे ही बच्चों का ये खिलने का टाइम होता है लेकिन ये जो बच्चे हैं इन लोगों का ये बचपना स्प्रिंग खो चुका है राइट ये लोग बोझ में हैं, इनके इनके कंधों पर बर्डन है बोझ है। ना इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा है ठीक है बहुत ही एप्ट टाइटल है अब हम बात करेंगे आ, बात करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर की दैट इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार इन विच द मेन कैरेक्टर इज मुकेश ठीक है अब मुकेश को क्या बनना है अपना खुद का मास्टर बनने का इच्छा है लेकिन ना वो रहते हैं बैंगल मेकिंग जगह पर फिरोजाबाद में फिरोजाबाद इज वेरी फेमस आज भी फेमस है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए ठीक है तो बात करेंगे इस स्टोरी की आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मुकेश जो है ना वो कहते हैं कि उनको खुद का मास्टर बनना है ठीक है मैं एक दिन क्या करूंगा मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा वो ऐसा अनाउंस करते हैं बाई द एंड ऑफ द दिस स्टोरी आपको समझ आएगा कि कैसे वो इंसिस्ट करते हैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि उनको मोटर मैकेनिक बनना है ठीक है कहते हैं डू यू नो समथिंग अबाउट कार्स मैं उससे न्यूज कहती है कि मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता है तो वो कहते हैं है, कार, कार को चलाना कैसे चलाते हैं लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज एंड आईज कॉन्फिडेंट और जब तुम इधर उधर देखते हो ना दैट मीन्स यू नॉट कॉन्फिडेंट तो मुकेश जो थे ना बड़े कॉन्फिडेंट थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने क्या बोला कि हाँ मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा ठीक है उनका जो ड्रीम था वो क्या था इंपॉर्टेंट लाइन है मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स टाउन फिरोजाबाद सो बेसिकली जैसे बैंगल इंड मेकिंग इंडस्ट्री है ना और ये जो फिरोजाबाद है वो पूरी भरी पड़ी है uh, गंदगी से मिट्टी से फिरोजाबाद जो है वैसे ही उनका जो सपना है वैसा लगता है कि वो भी ना ऐसी गंदगी में धुंधला है और वो भी कहीं खो जाएगा ठीक है एवरी अदर फैमिली हर दूसरी फैमिली ना फिरोजाबाद में क्या करती है बैंगल्स बनाती है और ये इंडिया की आ, सेंटर है फिरोजाबाद जहां पर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का काम होता है और जनरेशन पे जनरेशन यहाँ पे औरतें क्या करती है बैंगल्स ही बनाती है मुकेश की जो फैमिली है उनमें से एक ही है और उनको नन ऑफ देम नो दैट इट इज इल्लीगल फॉर चिल्ड्रन और उनमें से किसी को भी नहीं पता कि इल्लीगल है भाई बच्चों से काम कराना ग्लास फर्नेसेस के बीच में हाई टेम्परेचर के बीच में डिंजी सेल्स में जहां पे कोई हवा नहीं होती कोई लाइट नहीं होती और अकॉर्डिंग टू द लो जेल में डाल दिया जाता है जो लोग बच्चों से काम कराते हैं राइट और कु गैठेमेन और ये जो बीस हजार बच्चे हैं वो उधर काम करते हैं हॉट में जहां पर यो दिन रात, you know, में वो पूरा उस अंधेरे वाली फैक्ट्रीज में रहते हैं जहां पर काम करते रहते हैं उस वजह से कि, किसी किसी कि तो आँखों की तो बच्चों आंखों की रोशनी भी चली जाती है तो मुकेश की जो आईज है ना बीम एज ए वॉलंटियर्स टू तो टेक मी होम ठीक है और वो बस उसकी आंखे से चमक रही है बिकॉज यू नो ऐसे ऐसे वो देख देख -दि कर बस अपने घर पर उसको ले जा रहा है ठीक है Which, और वो जो कहता है और यहाँ पर हमारे राइटर ने बोला की जो हालात थी वो वॉज नॉट दैट गुड ओके बट उसमें भी वो बहुत खुश थे कि वो घर रीबिल्ड हो रहा है ओके okay? अब नम स्किंग जहां से बदबुदार गंदगी जहां पर ऐसी नालियां जो देखी आपने जहां पर कोई सीवेज सिस्टम ना हो ड्रेनेज सिस्टम ना हो राइट उन नालियों में ना काला पानी आ जाता है इतनी गंदगी और बदबूदार ठीक है तो ऐसी जगह पर वो रहते थे फिरोजाबाद में पास्ट होम यू नो जहाँ पर दीवारें एकदम चिपकी पड़ी है डोर्स एकदम टूटे फूटे पड़े हैं जिनकी कोई विंडो नहीं है कोई सारा सफोकेटेड है बहुत ज्यादा कोई आ, वेंटिलेशन नहीं है राइट और इतने इंसान वहां पर इतने ज्यादा रहते हैं और ऐसा लगता है कि क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को इन अ प्रिमिवल स्टेट दैट मींस कि ऐसा लगता है कि जानवर और इंसान दोनों एक ही जगह रहने लग गए इतनी ज्यादा गंदगी है वहां पर वो एक डोर पर रुकते हैं ऐसे किसी घर में जिसका जो आयरन डोर होता है वो एकदम टूटा फूटा सा होता है और वो अपने पैर से पुश करते हैं और हम हाफ बिल्ड शैक पे पहुंचते हैं और उसके एक पार्ट में वी सौ अम्म विद डेड ग्रास एक साइड पूरी डेड ग्रास थी और वहां पर फायरवुड स्टोव था ठीक है वहां पर एक लार्ज वेसल था और वहां पर स्पिनिच लीव्स जो थी वो उबल रही थी और उन द ग्राउंड लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स पड़े थे और चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़ी थी और एक यंग uh, वुमेन खाना बना रही थी इवनिंग मील सभी के लिए और उनकी आंखों में पूरी स्मोक थी और उसमें उसे देखकर भी वो हंस रही थी शी इज वो वाइफ है किसकी मुकेश के बड़े भाई की ज्यादा बड़े तो नहीं है वो शी हैज बिगिन टू कमांड लेकिन वो ना रिस्पेक्ट गेन करने लग गई है एज अ बहू उस घर में द डॉटर इन लोग क्योंकि वो सभी के लिए काम करती रहती है घर में खाना वाना बनाती है ऑलरेडी शी इज इन चार्ज ऑफ थ्री मैन तीन आदमियों को वो देखती है उनके हस्बैंड मुकेश और उनके फादर बेसिकली अपने ससुर को वेन दी ओल्डर मैन एंटर्स तो जब ओल्डर मैन वो एंटर करते हैं ना बेसिक ठीक है ओल्डर मैन मतलब दी द ससुर वो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द वो एकदम वो वॉल के पीछे हो जाती है एंड देन वो घूंघट क्या कर लेती है घूंघट से अपना फेस छुपा लेती है क्योंकि उनका जो कस्टम है रूल्स हैं वो डिमांड करता है कि जो बहू होती है ना घर की वो बड़े आदमियों के सामने बड़े मेल एल्डर्स के सामने क्या कर लेती है अपना फेस छुपा लेती है और इस केस में एल्डर चाहे क्यों ना बैंगल मेकर ही क्यों ना हो बट शी हैज टू रिस्पेक्ट ओके नो बैंगल मेकर ही हैज फेल टू रेनोवेट और यू नो वॉट डिस्पाइट uh, इतने सालों के हार्ड लेबर के बाद भी पहले वो टेलर थे उनके ससुर, उसके मुकेश और उनके बड़े भाई को और उन्होंने आज तक इतना ही कराया जितना उनको आता था और उनका आर्ट क्या था आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स और वो अपने बच्चों को भी बैंगल मेकिंग ही सिखा पाए थे राइट right? वो कहते हैं uh, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है बेसिकली उन और क्या ग्रैंड मदर उनकी जो दादी है मुकेश की वो बोलते हैं ये तो ये तो उसका ही कर्म है उसकी डेस्टिनी है जिसने अपने हस्बैंड को देखा है कि वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के वजह से यू you नो know, बैंगल मेकिंग के वजह से वो ब्लाइंड हो चुके हैं कैन अ गॉड गिवन इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू तो अंडरस्टैंड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कैन अ गॉड गिवन लिनय एवर बी ब्रोकन कभी टूट सकती है क्या ये जो भगवान ने तुमको जो तो तुम्हारे लिए लाइफ में लिख दिया है भगवान ने तुमको इतनी पीढ़ियों से यही काम दिया है बैंगल मेकिंग का तो क्या इसे कोई तोड़ सकता है क्या तो आ, बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए तो तुम्हें कुछ नहीं करना हमने तो सिर्फ आज तक बैंगल बनते हुए ही देखा है और कुछ देखा ही नहीं है हाउस में यार्ड में हर एक दूसरे घर में हर एक यार्ड में, यार में हर एक स्ट्रीट में फिरोजाबाद के वी हैव सीन ओनली बैंगल्स एंड बैंगल्स राइट नाउ कुछ जैस, जैसे सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू सो दीज आर द कलर्स पैटर्न ऑफ बैंगल्स ना और ये ये जो आदर ऑल पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडकार बाई यंग मैन अलॉन्ग द नैरोस ऑफ द शांति टाउन और ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सेवन कलर्स के ये जो बैंगल्स है वो देखते हैं कि जो यंग मैन है वो नैरो लेंथ से उनको कैरी करते हुए ले जाते हैं and in dark huntments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass so basically they pura you know she's she's trying to explain you the um, environment of Ferozabad, the environment of the g glass blowing industry uh, fact, bangle making industry right ओके द दराइजर अब पता है इन लोगों को ने इतना काम कर लिया है बैंगल्स बना बना के अंधेरे में डार्क कलर्ड सेल्स में डिंजी सेल्स में इतना काम कर लिया है कि अब उनकी ना आंखें सिर्फ अंधेरे में ही फोकस कर पाती है रोशनी में उनकी आंखें एकदम चुंदी आ जाती है राइट एवरी वन इज वाई ऑफ एन एंड लूजिंग और इसी वजह से इन लोगों की आंखें क्या हो जाती है ये लोग ज्यादा मतलब जल्दी उम्र में ही ये लोग अपनी आ, क्या वो आंखें आंखों की रोशनी खो जाती है उनकी बात करते हैं सविता ठीक है तो जो सविता है ना एक यंग गर्ल है पिंक ड्रेस पहन रखी है जो कि उस एल्डरली वन के साथ में बैठी है ठीक है और उसके जो हैंड्स है ना उसमें टॉन्स ऑफ मशीन आई वंडर इफ शी द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स में uh, like machine, तो वो ना बैंगल्स बनवाती है अपनी दादी के साथ बैंगल्स बनवा रही थी और uh, उसे ये तो नहीं पता शायद से कि ये जो बैंगल बना रही है जो कि बहुत प्योर माने जाते हैं किसी भी सुहागन के लिए उन्हें नहीं पता वो तो सुहागन नहीं है लेकिन उससे अभी उसकी वैल्यू नहीं पता जिस चीज को वो बना रही है राइट इट इंडियन वुमेन का सुहाग सिंबलाइज करते जो कि बहुत बहुत ही ऑस्पिशियस होता होता है बहुत होता है प्रेशियस किसी भी शादी में ठीक है इट विल उसकी लाइफ में भी एक दिन जरूर आएगा ये दिन जब उसको भी यू you नो know, सर पर घूंघट लेना पड़ा होगा उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई होगी और वो भी लाल चूड़ियां पहन रखी होगी उसने हाथ में उसके में भी ऐसा लाइफ में दिन आएगा जब वो एक दुल्हन बनेगी जैसे कि ये ओल्ड वुमेन उसके साइड में बैठी हुई है जो कि वो भी कुछ साल पहले बनी होगी और आज तक उसके हाथों में क्या है उसके हाथों में चूड़िया हैं बट नो लाइट इनर लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है एक वक्त भर खाना भी नहीं खाया ठीक है इन इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील हर लाइफ टाइम वो कह रही है कि भाई इतनी मेहनत करिए इतनी मेहनत करिए कि पूरे दिन में ना एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिल पाया ठीक है तो मतलब बस गुजारा करा है उन लोगों ने लाइफ में वो लो लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं गरीब लोग हैं बस चूड़िया बनाते हैं उसी में अपना आ, गुजारा कर लेते हैं ठीक है ठीके? और वो कह रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड है ना वो ओल्ड मैन ठीक है जिनकी बियर्ड है वो कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं आता सिर्फ बैंगल्स बनाने ही आते हैं मैंने अपनी लाइफ में ये ऑल आई हैव डन ये घर बनाया है जिसमें मेरी फैमिली रह सके और इनको सुनकर वो ये सब सोचते हैं भाई इन्होंने वन वंडर्स इफ हिज अचीव वट मैनी तो उनकी बातें सुनकर हमारे राइटर ये कहना चाह रही है कि इन्होंने तो घर बना भी लिया लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में मतलब बैंगल्स बनाते हैं लेकिन उन लोगों के पास घर में रहने के लिए उनके सर पर छत भी नहीं है सो बेसिकली दे आर प्राउड ओके नाउ द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट ओके और वो रोना रोज रोज का कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है

तो हम हम लोग ही फंस जाएंगे हम लोगों को ही पुलिस पकड़ लेगी मारेगी और हमको जेल में डाल देगी कि हमने तो इलीगल करा है देर इज नो लीडर अमंग उनका कोई लीडर ही नहीं है जो उनको हेल्प कर सके जो उनको चीजों को डिफरेंटली दिखा सके उनके जो फादर्स हैं वो लोग बहुत थक चुके हैं अपनी लाइफ से वो एंडलेसली दे टॉक इन दैट मूव्स फ्रॉम पावर्ट टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस इंपॉर्टेंट कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग तो सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई वो तो गरीब थे ठीक है उनको सिंपत्ति मिल गई और उनके साथ हमेशा इनजस्टिस हुआ है सो so बेसिकली वो तो फंसे पड़े हैं और उनको सुनकर ऐसा लगता है कि भाई मुझे दो डिस्ट अलग अलग वर्ल्ड दिखते हैं एक तो फैमिली जो कि इस पावर्टी में फंस चुकी है ठीक है बर्डनड है ठीक है और जो अदर है वो तो वो है साहूकार द साहू का पुलिस मैन इन लोगों का फायदा उठा रहे हैं जो इन लोगों से ये इलिगल काम भी कराए जा रहे हैं और इन लोगों की हेल्प भी नहीं कर रहे हैं इन लोगों ने ना टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज उन बच्चों पर जो कि ये बच्चों पर ये बैगेज आ चुका है उनके शोल्डर पर ये बोझ आ चुका है बिफोर ही इज अवेर ही जिससे पहले वो एक्सेप्ट करे उनको पता ही होता है कि भाई एक एक्सेप्टेंस से पहले उनको पता है कि वी वी हैव हैव नथिंग नथिंग एल्स टू टू डू ओनली मेक दैट्स इट नो अदर ऑप्शन इन दर लाइफ और कुछ और करना मतलब कुछ और करना या कुछ सोचना मतलब कुछ हिम्मत करना और डेयरिंग करना उनके परवरिश का पार्ट ही नहीं था और जब मैं ये देखता हूँ ना मुकेश को आ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसा बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक और वो फिर रिपीट करता है मैं गराज जाऊंगा और मैं लर्न करूंगा ठीक है

सो so, वो खुश है कार्स के सपने देखने में फ्यू एयरप्लेन्स की और वो देखते हैं हाँ, फ्यू फ्लाई ओवर बट आई टू ड्राइव अ कार तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि इस चैप्टर में हमने दो स्टोरीज के बारे में बात करी और इन दोनों स्टोरीज से हम लोगों को इतना पता चला बच्चे कि साहिब आलम के कंधों पर भी बोझ है इनफैक्ट हमारे जो वो इंडस्ट्री फिरोजाबाद की जो लोग कुछ और सोच ही नहीं सकते थे हिम्मत ही नहीं कर सकते थे बैंगल मेकिंग के अलावा हमारे मुकेश ने वो कोशिश करना चाहते हैं इस वेब से निकलना चाहते हैं और वो ड्राइव करना चाहते हैं उनको बैंगल इंडस्ट्री में नहीं घुसना ही वॉज ही वॉज ट्राइंग टू डेयर राइट और इन दोनों चैप्टर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है अनीस जंग ने थ्रू दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग थैंक यू सो मच एवरीवन अपना ध्यान रखिएगा गुड नाइट टेक केयर आई होप आपको अच्छे से समझ आया बाय बाय